क्रांतिकारी गरीब सेवा फाउंडेशन संस्थान ने गौशियों को सम्मान समर्थन में जिला कलेक्ट्रेट में दिया ज्ञापन। भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरक्षक सुनील शुक्ला योगेश सिंह पर गौ हत्या की सूचना देने पर फर्जी दर्ज कराए गए 505-2 में हरदोई जिले के कोतवाली कछौना में दर्ज मुकदमा तत्काल वापस लेने तथा दर्जनों गौ माता की हत्या के दोषी पशु चिकित्सा अधिकारी ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करने के संबंध में दिनांक 17 सितंबर 2021 को कछौना पदसेनी के ग्राम तेरवा में स्थित गौ आश्रय स्थल पर अधिक पानी बरसने व सरकारी गौशाला के समिति के जिम्मेदारों की अव्यवस्था के कारण दर्जनों गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग एक दर्जन के ऊपर गौवंश गंभीर बीमार हो गए, जिसके स्थानीय लोगों द्वारा सूचना पूर्व गौवंश प्रकोष्ठ भाजपा व क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक एवं क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिपुष्टि एवं प्रतिक्रिया भाजपा के सुनील शुक्ला को मिली। उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को व्हाट्सएप और फोन से दी। जिला प्रशासन ने अपने जिम्मेदारी की नाकामी को छिपाने के लिए धारा 505-2 के तहत कोतवाली का छौना जनपद हरदोई में मुकदमा लिखवा दिया। अगर समय पर सूचना न दी गई होती तो वहाँ बीमार मिले गौवंशों की अधिक संख्या और हो जाने सकती थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अवगत कराना है कि जिला प्रशासन गौ आश्रय स्थल की संपूर्ण व्यवस्था की देखरेख करता है, जहाँ पर किसी न किसी गौशाला में मौतें आए दिन भूख के कारण होती रहती हैं। हरा चारा दाना तो किसी भी गौशाला में नहीं दिया जाता, केवल खाने को सूखा भूसा बहुत मुश्किल से मिलता है। जनपद में बहुत घोटाला है, अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार हैं, इस कारण उन पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि गौ माता बेजुबानों की मौत के मुंह से निकालो और अधिकारियों को सख्त जिम्मेदारी तय करो और कार्यवाही करो। हरदोई से इंडिया रिपब्लिक के लिए कपिल कुमार मौर्य। लगभग जैसा कि ज्ञात है, क्रांतिकारी गरीब सेवा फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ योगेश विक्रम सिंह। 17 तारीख को जो है गाँव वालों की सूचना पर हमें कछौना में एक गौशाला पड़ती है तिरवा के पास में, तो सूचना मिली गाँव वालों की यहाँ पर कुछ जो है गौवंश हताहत पड़े हुए हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, एक दो लोग हमारी टीम के भी थे साथ में, तो कुछ गायों की ऐसी स्थिति वहाँ थी जो देखने लायक थी, जो कोई भी व्यक्ति जो है देख के वहाँ पे दिल दहलाने वाली घटना थी वहाँ पे। और जो गौवंश थे जो मिट्टी में दबे हुए थे, उनके सर जो है मिट्टी में दब गए थे। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को सूचना दी, और जब अधिकारियों को सूचना दी, अधिकारी जब मौके पर एडीएम साहब एसडीएम साहब जो पहुँचे, उन्होंने जो है बाद में जो है 8 गौवंश मृत दिखाए हैं और 6 घायल दिखाए। उसके बाद में जो है सूचना देने वालों पर ही मुकदमा लिख दिया, जिसमें हमारे बड़े भाई सुनील शुक्ला जी हैं भाजपा नेता, और हमारे ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है कछौना थाने में, जिसके विरोध में हम लोगों ने अपनी पूरी क्रांतिकारी गरीब सेवा फाउंडेशन की तरफ से ज्ञापन दिया है कि हम लोग समय समय पर इसी प्रकार से गौ सेवा करते रहते हैं, जिसके चलते अगर गौरक्षकों पर इस प्रकार से जिले में मुकदमे लिखे जाएंगे तो हम लोग गौ सेवा कैसे करेंगे और गौरक्षा का गौ माता का संरक्षण कैसे करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे, उनको बचाएंगे कैसे। क्या मांगे जाती है जब? मांगे हमारी यही है कि जो मुकदमे को वापस लिया जाए, हम लोगों के जो हमारी संस्था के पदाधिकारियों का और हमारी संस्था का जो सम्मान अपमान हुआ है उसको सम्मान को वापस दिलाया जाए, और हम लोगों से जो भी बैठ के जो बात की जाए कि हम लोगों के लिए एक टीम ऐसी बनाई जाए जिले में कि हम कहीं भी जाके गौरक्षा कर सकते हैं, किसी भी गौरक्षा को लेकर कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं, हमारे पास शासन प्रशासन का मजबूती दिलाई जाए।